हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPSC टेक्निकल ज्ञान में। तो गाइस, आज हमारे चिलर में एक फॉल्ट आया है और वो फॉल्ट के बारे में आज बात करेंगे कि वो फॉल्ट क्यों आया है और कैसे हम लोग सही करेंगे उसको। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये जो फॉल्ट इंडिकेटर है अलार्म वाला, ये शो कर रहा है तो हमारे चिलर में कुछ फॉल्ट है। तो हम लोग डिस्प्ले में देखेंगे गाइस और फिर फाइंड आउट करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस, हम लोग डिस्प्ले में चेक करेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। तो मेनू को प्रेस करेंगे और मेनू को प्रेस करने के बाद गाइस हम लोग अलार्म्स में जाएंगे और अलार्म्स में चेक करेंगे। देख सकते हैं लो सक्शन इसमें दिखा रहा है, अप्रैल 28 को ये आया हुआ है। तो गाइस, ये लो सक्शन या तो गैस कम होता है तो आता है, या तो हमारे चिलर में पानी कम हो जाता है, जो चिल्ड वाटर है वो कम हो जाता है तो ये लो सेक्शन में भी जाने लगता है हमारा सिस्टम है। तो हम लोग दोनों चेक करेंगे कि इसमें क्या चीज़ का है, या पानी कम है तो इसका वजह से ये लो सेक्शन में जा रहा है, या तो गैस कम है इसका वजह से लो सेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग इसको चेक करेंगे। तो फर्स्ट गाइस, हम लोग इसको रीसेट करके इसका गैस चेक करेंगे कि कितना है इसमें, कितना प्रेशर है। तो हम लोग इसको रीसेट करने के लिए हम लोग रीसेट में जाएंगे और इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं हमको रीसेट करने का, तो यस पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं ये फॉल्ट रिले था, ऑपरेट था, ये चला गया गाइस। तो अभी हम लोग इसको चालू करेंगे, देखेंगे गाइस उसमें कितना प्रेशर है जो कि लो सेक्शन में जा रहा था। तो हम लोग जाएंगे स्टेटस में, स्टेटस में जाके कंप्रेसर वन को चालू करेंगे। तो हम लोग सिस्टम वन सिस्टम टू को बंद कर देंगे और सिस्टम वन चालू होएगा तो हम लोग इसका प्रेशर देखेंगे कि कितना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कंप्रेसर वन ऑन हो गया है। अभी हम लोग देखेंगे इसका सेक्शन कितना में जा रहा है और डिस्चार्ज प्रेशर कितना है इसमें बता रहा है। तो गाइस, देख सकते हैं 20 और 147 इसमें बता रहा है। तो गाइस, इसमें गैस का ही प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। ये सेक्शन जो है ये 17-18 दिखा रहा है, जबकि ये सेक्शन को हमारा 32 बैक प्रेशर जो है सेक्शन का वो 32 होना चाहिए और डिस्चार्ज 171 के आसपास होना चाहिए, लेकिन इसमें 13-14 दिखा रहा है। इसके वजह से ये गाइस लो सेक्शन में जाके ट्रिप हो रहा है। तो इसका लो सेक्शन में जो सेटिंग है गाइस, जो 20 है, अगर 20 का नीचे ये गैस का प्रेशर आएगा तो ये लो सेक्शन में जाकर ट्रिप होएगा। तो देखिए आप सेम कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से अलार्म शो कर रहा है, ये लो सेक्शन वन ए शो कर रहा है 28 पहले अभी देखा रहे। इसमें गाइस गैस कम है इसके वजह से ये लो सेक्शन में जा रहा है। तो गैस लीक होता है तभी एक प्रॉब्लम आता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि गैस आखिर में गैस लीक किधर से है। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उसको रिपेयर करेंगे, बाद में सही करेंगे कि फिर गैस चार्ज करके इसको सही करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये लीक कहाँ पर गाइस। तो गाइस, देख सकते हैं ये पानी का प्रेशर भी बराबर है। अगर पानी का प्रेशर कम रहता है, पानी कम रहता है तो ये क्या होता है हमारा चिलर में लो सेक्शन हमारा सिस्टम शो करने लगता है। तो पानी इस टाइम में जो इसका है इनलेट है वो सही है, 2.5 है, तो पानी का इसमें प्रॉब्लम नहीं है गाइस। ये गैस लीक है तो हम लोग उसको भी चेक कर लेते हैं कि गैस लीक कहाँ से है गाइस। गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे लीक है, हमारा जो कूलर है इधर से लीक है, इसका सेक्शन लाइन में लीकेज है आप देख सकते हैं। तो गाइस, ये लीकेज का वजह से गैस कम हुआ है, नहीं तो गैस ऐसा कम नहीं होता है। ये लीक होने से हमारा लो सेक्शन में जा रहा है और ये
कूलर का सक्शन लाइन में है, आप देख सकते हैं ये सक्शन लाइन में यहाँ से पूरा लीकेज है, ये ऑयल पूरा आया है यहाँ पे, तो लीकेज है गाइस। अगर लीक होता है तभी ये हमारा जो है लो सेक्शन में आएगा सिस्टम और शो करेगा डिस्प्ले में, या तो इसका चिल्ड वाटर जो पानी है, जो पानी कम हो जाता है इसमें, तो ये लो सेक्शन में हमारा सिस्टम जाने लगता है। तो इसको हम लोग रिपेयर करेंगे और गैस इसमें गैस चार्ज करेंगे, फिर इसको चालू करेंगे। तो ऐसे आप अगर लो सेक्शन में जाता है तो हमको दो चीज़ ध्यान देना चाहिए गैस, जो कि एक तो पानी चेक करना चाहिए, दूसरा लीक चेक करना चाहिए किधर से लीक है। अगर लीक है तो भी लो सेक्शन में ये हमारा सिस्टम जाएगा, और पानी कम है तो भी ये लो सेक्शन में जाएगा गैस। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल HPSC टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।